बेटे बेटा माज कर दी I know, भाई काफी दिन हो गया, वीडियो अभी तक नहीं आई, ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हो रहा है। उसके लिए यार सॉरी, क्योंकि मेरा एग्जाम था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, बट इस मूवी के लिए आई कांट वेट। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाके देखा, वो भी हिंदी डब में, एंड इट वाज क्रेजी भाई। इतनी एपिक मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी थी। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जाओ, जहां पर भी हो जाके अपने नजदीकी सिनेमा घर में देखो भाई साहब। इट वाज सो एपिक एंड ग्रैंड कि तुम लोग अगर इसको थिएटर में नहीं देखोगे तो तुमको पाप लगेगा। एंड नाउ मूवी के बारे में बात करते हैं, तो मूवी की स्टार्टिंग ही काफी एपिक तरीके से होती है भाई साहब। शुरू के 5-6 मिनट इतने क्रेजी थे कि क्या ही बताऊं, मेरी तो यार नजर नहीं हट रहे थे, एंड ऊपर से यार हार्ट बीट बढ़ रहा था भाई। मूवी के जितने भी महाभारत के शॉट्स दिखाए गए भाई, वो तो अमेजिंग थे। उसके अलावा जब अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा होता है भाई, वो फाइट सीन लाइक क्रेजी थे। तो देखो सबसे पहले यार मूवी के जो डायरेक्टर है नाग अश्विन सर, मेरी तरफ से उनको एक सैल्यूट एंड ढेर सारी पप्पियां एंड झप्पियां भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और जिनको भी इस मूवी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो भाई ये महाभारत का ही सीक्वल है, यानी महाभारत से इसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है और कलयुग तक जाती है। एंड कलयुग में हम लोग का क्या हाल होगा वो इस मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पर सिर्फ एक ही शहर बचा हुआ है काशी, एंड वहाँ पर भी लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी, क्योंकि सब कुछ तो कॉम्प्लेक्स वालों ने छीन लिया है। कहते हैं कि ऊपर पानी है, पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। एंड कॉम्प्लेक्स कोई चीज नहीं है, एक जगह है, एक उल्टा ट्रायंगल जहाँ पर सब कुछ है, लाइक पेड़ पौधे से लेकर नदी तालाब झील सब कुछ जो कि तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। एंड कलयुग में गॉड का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ कली, जिसको कि हम लोग सुप्रीम यास्किन के भी नाम से जानते हैं। एंड तभी इसी धरती पे जन्म लेंगे विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि, एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसी धरती पे 7 चिरंजीवी होंगे, एंड उनमें से एक अश्वत्थामा होंगे जिसको कि हम लोगों ने इस मूवी में देखा। एंड अभी तो हम लोग यार उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है मूवी के अंदर। एंड देखो मूवी की जो मेन हीरो है वो भाई भैरवा नहीं है, वो हमारे अश्वत्थामा है जिसको प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। भाई इनकी प्रेजेंस तुम लोग फील कर सकते हो स्क्रीन पे, ही इज सो टॉल, इतने लंबे चौड़े। एक्चुअली मूवी में बताया भी गया कि ये 8 फीट के हैं, एंड कलयुग में 8 फीट होना लाइक नामुमकिन ही है। तो अगर तुम लोग को पता नहीं है तो एक्चुअली हमारे हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एंड अश्वत्थामा हमारे द्वापर युग से है, यानी महाभारत के टाइम से, तो इसलिए ही इज सो टॉल। और देखो इनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है मूवी के अंदर, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है कल्कि भगवान, जो कि विष्णु जी के 10वें अवतार है। और अगर तुम लोग को अश्वत्थामा के कैरेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये गुरु द्रोणाचार्य के बेटे और 7 चिरंजीवियों में से एक है, और महाभारत में ये कौरवों के साइड से फाइट किए थे। एंड इनके माथे पे एक मणि होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा और वेपन से। एंड ये मणि इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, बट कृष्ण जी उनको श्राप देके ये ले लेते हैं, जो कि आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यार महाभारत की वो फाइट सीन पे बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से कहानी कंटिन्यू होती है, एंड इट इज लाइक महाभारत का कंटिन्यूएशन या फिर इसको सीक्वल बोल सकते हैं। तो देखो मेन स्टोरी महाभारत के 10वें दिन से स्टार्ट होती है, जहां पर भीष्म पितामह को काफी चोट लगता है, जो कि कौरवों के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी थे, एंड उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी बनते हैं। एंड भाई कृष्ण जी को ये बात पता थी कि जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे तो भाई उनको हराना लाइक नामुमकिन है, एंड इसीलिए वो पांडवों को सजेस्ट करते हैं, एंड उनमें से भी स्पेशली भीम को सजेस्ट करते हैं कि तुम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने साथ ही घात आगे लो। एंड ये बात सुनकर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता है कि भीम ने उनके बेटे को मार दिया, तो इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर के पास जाते हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। एंड कृष्ण जी को ये बात भी पता थी कि वो यहाँ पर आएंगे उनको पूछने के लिए, तो इसलिए कृष्ण जी युधिष्ठिर को पहले से ही समझा कर रखते हैं कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। एंड उसके बाद द्रोणाचार्य अपना अस्त्र त्याग करते हैं, एंड उसके बाद उनको मार दिया जाता है। एंड ये बात जब पता चलता है अश्वत्थामा को, तो भाई वो फुल ऑन रेज मोड पे आ जाते हैं, एंड काफी लोगों को मारते हैं, और यहाँ तक कि रात में ये चुपके से पांडवों के कैंप में घुस जाते हैं, एंड वहां पर 5 पांडव की हत्या कर देते हैं। और बाद में इनको पता चलता है कि वो 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के 5 पुत्र थे। एंड ये बात जब पांडवों को पता चलती है, तो अश्वत्थामा खुद की जान बचाने के लिए उनपे ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, एंड उसको काउंटर अटैक करने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है। एंड इफ यू डोंट नो, ये ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल था कि पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था, बट उस समय एक ऋषि मुनि द्वारा काफी समझाने के बाद अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, बट अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है, जिसके कारण वो ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में डाल देते हैं। एंड उसके बाद ही श्री कृष्ण जी उनका मणि लेकर उनको श्राप देते हैं कि और तुम समय की चरम सीमा तक
पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए, और आज तुम्हारे माथे पर जहाँ एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहाँ एक खाम होगा। तो या यही कुछ स्टोरी है महाभारत की, वो मनी सीन का। एंड ये सीन मूवी में हम लोग को दिखाया जाता है, एंड उसके बाद कलयुग स्टार्ट होता है। एंड कलयुग को दिखाने के लिए इन्होंने जो एनिमेशन के साथ साथ अमिताभ बच्चन की आवाज में जब वो गाना बजता है भाई, वो क्रेजी था। एंड अब तक अगर इसका वीडियो आ गया होगा तो मैं चला के भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी देर से आएगी। एंड उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा एग्जाम था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरा एग्जाम कहाँ था। एक्चुअली वो जगह यार इस मूवी में भी दिखाया गया है। यस, वो जगह है काशी वाराणसी भाई। वो जगह इतना खूबसूरत है, मुझे तो फील हो रहा था कि भाई ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही शहर में आ चुका हूँ मैं। एंड स्पेशली यहाँ के जो मंदिर के जो स्ट्रक्चर से भाई, वो इतने खूबसूरत है। उसके अलावा जो नदी है, जो घाटे हैं, लाइक एक दो घाट नहीं काफी घाट है, एंड वो भी काफी खूबसूरत। एंड कुछ फोटोज एंड वीडियोज मैंने लिए हैं तो मैं दिखा देता हूँ। By the way, this is मणिकर्णिका घाट, जो कि मूवी में भी हम लोग को दिखाया गया क्रीमेशन होते हुए। तो नाउ बात करते हैं यार मूवी के बारे में, क्योंकि मूवी में कुछ कुछ बैड चीजें भी थी जो कि यार मुझे तो पसंद नहीं आई, एंड आई एम 100% श्योर कि यार तुम लोग को भी नहीं आई होगी। तो सबसे पहले यार दिशा पटानी भाई, वो मूवी में क्यों थी, किस लिए थी, कुछ उसका कैरेक्टर नहीं, आगे हम लोग को कहीं भी उसको देखने को नहीं मिलता है सिवाय वो डांस के, एंड वो डांस भी लाइक तो देखो यही एक नेगेटिव चीज है जो कि मूवी में मुझे पसंद नहीं आई। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ बेकार था। तो देखो स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, नाउ थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो सबसे पहले यार हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम यानी कलयुग में ही जी रहे हैं, एंड इसकी स्टोरी भी कलयुग पे ही टोटली बेस्ड है। एंड इस मूवी का जो मेन थानोस है वो है कली, प्लेड बाय कमल हसन, जिसको कि हम लोग यास्किन के नाम से भी जानते हैं। और इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें जाने के लिए तुम्हारे पास 1 मिलियन यूनिट होना चाहिए। यूनिट यानी मनी, यानी तुम्हारे पास अगर 1 मिलियन मनी है तो तुम लोग यहाँ पर जाके मौज कर सकते। एंड भैरवा प्लेड बाय प्रभास, जिसका एक ही ड्रीम है कॉम्प्लेक्स जाना। एंड दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में यास्किन औरतों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी जो औरतें प्रेग्नेंट हो सकती है उसके गर्भ से वो सीरम ढूंढ रहा है जिससे वो फिर से अपने बॉडी को क्रिएट कर सकता है, या फिर बोलो कि वो जवान हो सकता है। और जिन औरतों से इसको सीरम नहीं मिलता है उसको आग की भट्टी में डाल के जलवा दिया जाता है। एंड उसी कॉम्प्लेक्स में सुमति प्लेड बाय दीपिका पादुकोण रह रही है, जो कि कल्कि भगवान की माँ होने वाली है, और कॉम्प्लेक्स में एज ए वर्कर ये काम कर रही होती है। बट कॉम्प्लेक्स वालों को ये नहीं पता होता है कि ये प्रेग्नेंट है, एंड जब पता चलता है तो इस पे भी वो सीरम निकालने का काम किया जाता है, बट वो किसी भी तरह से वहां से भाग जाती है। बट इसको पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स वालों ने 1 मिलियन यूनिट का बाउंटी रखवा देते हैं, एंड तभी आता है भैरवा, क्योंकि उसको 1 मिलियन यूनिट चाहिए। एंड इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि सुमति को पकड़ के उसको कॉम्प्लेक्स वालों को लौटा दे, एंड उसके बदले उनको 1 मिलियन यूनिट मिलेगी, एंड वो मौज करेगा कॉम्प्लेक्स में। बट तभी अश्वत्थामा आते हैं इनकी रक्षा करने की, एंड उसके बाद अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा का फाइट होता है। एंड ऑब्वियसली यार अश्वत्थामा चिरंजीवी है, यानी भगवान है, एंड वो इजीली उसको हरा देते हैं। बट भाई वो फाइट सीन काफी अच्छा था। एंड ये फाइट हारने के बाद भैरवा इस बात को यार ईगो पे ले लेता है, एंड इधर ये लोग संभाला निकल जाते हैं। बट भाई भैरवा वहां पर भी पहुंच जाता है, साथ में कॉम्प्लेक्स वाले भी आ जाते हैं वहां पर। एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स वर्सेस संभाला का फाइट होता है, एंड दूसरी तरफ भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा का फिर से फाइट होता है, जिसमें वो फिर से उसको हरा देते हैं। बट वहीं पे हमें पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण है, यानी अश्वत्थामा का ही फ्रेंड। एंड इसके बाद तो भैरवा इजली कॉम्प्लेक्स वाले को हरा देता है, जिसके अंदर कर्ण का पावर आ गया था। एंड जब वो पावर चला जाता है तो फिर वो भैरवा बन जाता है, एंड उसके बाद सुमति को भी लेके भाग जाता है। लेकिन एंड में एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हमें पता चलता है कि यास्किन, जिसके पास सीरम के कुछ बूंद आ चुके हैं जो कि दीपिका के गर्भ से निकाला गया था, एंड उसको लेने के बाद ये फिर से लाइक जवान बन जाता है, एंड और भी शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद वहां पर मूवी खत्म होती है। एंड आई थिंक या दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है। तो या आज के लिए इतना ही, बट तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी का कौन सा बेस्ट पार्ट तुम लोग को लगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।